तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बंडी संजय कुमार के साथ साथ कई अन्य नेता शामिल रहे। अमित शाह और जेपी नड्डा मंगलवार शाम को ही समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंच गए थे। चंद्रबाबू नायडू के बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम को मिलाकर अब 23 मंत्री है। टीडीपी से 19 पवन कल्याण समेत, जनसेवा से 3 और भाजपा से 1 मंत्री है। एक पद अभी भी खाली रखा गया है। भाजपा पहली बार उड़ीसा में अपनी सरकार बनाने जा रहा है, जहां पे भाजपा का शपथ ग्रहण आज होना है। विधायक मोहन चरण मांझी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में केवी सिंह देव और प्रवति परिदा भी शपथ लेंगे। मांझी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे।